हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के सोशल स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और हम सोशल स्टडीज़ में पहले आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन आज पढ़ाएंगे। ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, इसका नाम है वेयर व्हेन एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे। ये आपका लेसन है हिस्ट्री का पहला। इस लेसन में आप पढ़ोगे क्या क्या इनसाइड द चैप्टर। इस लेसन में आप पढ़ोगे जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव, चेंजिंग नेम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, बदलते हुए नाम उपमहाद्वीपों के, उपमहाद्वीपों बदलते हुए नाम, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत्र, मैप एंड मेडिवल इंडिया, मानचित्र और मध्यकालीन भारत, टाइम फ्रेम इन द हिस्ट्री, इतिहास के अंदर समय सीमा, मेजर डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण विकास। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ द एशियन पीरियड। पिछली कक्षाओं में हमने इतिहास, प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन किया था। वी हैव डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया एंड द एशियन सिविलाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द प्री हिस्ट्री पीरियड टू द 7th सेंचुरी AD। हमने प्राचीन भारत के इतिहास और उपमहाद्वीप हमने प्राचीन भारत के इतिहास और उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता के बारे में पूर्व ऐतिहासिक काल से लेके 7वीं शताब्दी तक पढ़ा है। इन दिस क्लास वी शॉल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड। इस क्लास में हम लोग मध्ययुगीन काल के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इतिहास में मध्ययुगीन समय के बारे में पढ़ेंगे। बट द स्टडी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री इज़ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अ कंट्री टू कंट्री। लेकिन हम इसे पढ़ने के पहले ये जानेंगे कि यह एक देश से दूसरे देश के भिन्न से कैसे भिन्न है, मतलब कैसे अलग है। हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ये एक देश से दूसरे देश में कैसे कैसे अलग था, इसमें क्या अलग था। इन यूरोप द मेडिवल हिस्ट्री इज सेट टू द बिगम इन 6th सेंचुरी एंड द एंड ऑफ 15th सेंचुरी AD। यूरोप में ये मध्यकालीन इतिहास जो है, मध्यकालीन युग जो था, वो शुरू हुआ था 6th सेंचुरी में और एंड हुआ था 15th सेंचुरी में। वेल इन इंडिया दिस पीरियड स्टार्ट विद द 8th सेंचुरी एंड एंड विद द 18th सेंचुरी। जबकि भारत में ये 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी में एंड हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सॉ मैनी रिमार्केबल चेंजेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। इस समय में भारत में बहुत से चिन्हित बदलाव देखने को मिले थे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लोगों के जीवन में, मतलब लोगों के जीवन में। इस समय भारत में बहुत से चिन्हित बदलाव देखने को मिले थे। किन किन क्षेत्रों में? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिले थे। इसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग एशियंट प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पढ़े थे, लेकिन इस क्लास में लेकिन इसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास और महाद्वीप और प्राचीन सभ्यता के बारे में पूर्व ऐतिहासिक काल से लेके 7th सेंचुरी तक चर्चा की है। इस वर्ग में हम लोग मध्ययुगीन काल के इतिहास का अध्ययन करेंगे। और ये किसी देश से कैसे ये कुछ अलग है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मध्ययुगीन जो इतिहास है, एक देश से दूसरे देश से कैसे अलग है, इसके बारे में भी जानेंगे। यूरोप में जो मध्ययुगीन इतिहास है, वो शुरू हुआ था 6th सेंचुरी में और एंड हुआ था 15th सेंचुरी AD में। जबकि भारत में ये समय स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी में और एंड हुआ था 18th सेंचुरी में। इस समय बहुत से इस समय लोगों के अंदर बहुत से बदलाव देखने को मिले थे, चिन्हित बदलाव देखने को मिले थे, जो किन किन क्षेत्रों में थे? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिले थे। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री मतलब इतिहास के अंदर भौगोलिक प्रभाव। द जियोग्राफी ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री, इस क्षेत्र का भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है। ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ इंडिया ऑल्सो द जियोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस इज हिस्ट्री। बेशक भारत के मामले में उपमहाद्वीप के भूगोल ने इसके इतिहास को
बेशक भारत के मामले में उपमहाद्वीप के अंदर भूगोल ने इसके इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया है। जियोग्राफी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। भूगोल जो है किसी विशेष क्षेत्र के विकास को निर्धारित करता है। भूगोल जो है किसी विशेष क्षेत्र के विकास को निर्धारित करता है। द एरिया वर द इन्वायरमेंट इज फेवरेबल आर डेंसली पॉपुलेटेड। वो एरिया जहाँ पे पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ वो घनी आबादी वाले होते हैं। वो एरिया जहाँ पे पर्यावरण अनुकूल होता है वो घनी आबादी वाले होते हैं। देयर कल्चर आर आल्सो अफेक्टेड बाई आउटसाइड इन्फ्लुएंस और फॉरेन ट्रेवलर्स। उनकी जो संस्कृतियाँ हैं वो बाहर के यात्रियों को भी प्रभावित करती हैं। उनकी जो संस्कृतियाँ होती हैं वो बाहर के भी यात्रियों को प्रभावित करती हैं। ऑन द अदर हैंड द प्लेस विथ एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। और वो एरिया जो कि पर्यावरण के प्रतिकूल होता है, पर्यावरण के अपोजिट होता है, वो एरिया कम आबादी वाले होते हैं। द कल्चर दैट डेवलप हेयर इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो बाहरी प्रभावों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इस क्षेत्र का भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है। बेशक भारत के मामले में जो उपमहाद्वीप के भूगोल ने इसके इतिहास को बहुत अधिक उपमहाद्वीप के भूगोल ने इसके इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया है। भूगोल किसी विशेष क्षेत्र के विकास को निर्धारित करता है। वे जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल होते हैं वो घने आबादी वाले होते हैं। वहाँ की जो सभ्यता होती हैं, संस्कृतियाँ होती हैं, वो बाहरी यात्रियों को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। और दूसरी तरफ जो एरिया पर्यावरण के प्रतिकूल होती हैं वो घर कम आबादी वाले होते हैं। और यहाँ की संस्कृतियाँ भी बाहरी लोगों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती हैं। मैप एंड मेडिवल इंडिया, मानचित्र और मध्यकालीन भारत। द आर्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप इज़ नो एज द कार्टियोग्राफी एंड अ पर्सन हु मेक मैप इज़ कॉल्ड द कार्टोग्राफर। वो कला मतलब मानचित्र और मध्यकालीन भारत, जो मानचित्र बनाने की कला होती है उसे जाना जाता है कार्टोग्राफी से। कार्टोग्राफी में नक्शा इसी से जो डिज़ाइंस बनते हैं। एंड अ पर्सन वो मेक्स मैप इज़ कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। और वो पर्सन जो मानचित्र को बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। इन एशियंट इंडिया पीपल वर अननोन अबाउट द कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग। प्राचीन भारत में लोग अनजान थे किस चीज़ से, ये जो कार्टोग्राफी प्रक्रिया होती है या मानचित्र के निर्माण से। इनफैक्ट द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ और ट्रेड्स एंड एक्सपेंशंस ऑफ एम्पायर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड क्रिएटेड द नीड फॉर द एक्यूरेट मैप। लेकिन वास्तव में दुनिया भर में विकास और व्यापार और मध्ययुगीन काल के दौरान साम्राज्य के विस्तार ने स्टिक मानचित्र की आवश्यकता को पैदा किया, मतलब एक्यूरेट मैप को पैदा किया। जो देश में विकास हो रहे थे, बिजनेस हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, वो मेडिवल टाइम में क्या था, साम्राज्य के विस्तार के लिए, एम्पायर को डेवलप करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, एक सही मानचित्र की, एक्यूरेट मैप की। फर्स्ट ऑफ ऑल द अरब एंड यूरोपियंस डेवलपमेंट द साइंस एंड द कार्टियोग्राफी। सबसे पहले अरब के लोग और यूरोपियंस के लोगों ने कार्टोग्राफी के साइंस का विकास विज्ञान का विकास किया। सबसे पहले अरब और यूरोपियन लोगों ने कार्टोग्राफी के विज्ञान का विकास किया। दे फेल्ट नीड फॉर मैप बिकॉज दे ऑफ्टन अंडरटुक लॉन्ग जर्नी ओवर लैंड एंड सी। उन्हें नक्शे की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि वे अक्सर जमीन और समुद्र के रास्ते से लंबी यात्रा करते थे। उन्हें नक्शे की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि वो अधिकतर जमीन और समुद्र के रास्ते से लंबी यात्रा करते थे। कॉन्टैक्ट विद द अरब एंड यूरोपियन हेल्प इंडियन टू लर्न अबाउट कार्टियोग्राफी। अरबों और यूरोपियों लोगों के संपर्क में आने से भारत को कार्टियोग्राफी के बारे में जानने में मदद मिली।
मतलब अरब और यूरोप के लोगों के संपर्क में आने में भारत को भी कार्डियोग्राफी को जानने में मदद मिली। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए जो मैप बनाने की कला होती है उसे हम लोग जानते हैं नक्शाविशीन के नाम से, मतलब जो नक्शे बनते हैं उसके नाम से, और जो पर्सन बनाता है इसे उसे हम लोग मानचित्रकार के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में जो है कार्टियोग्राफी, मतलब प्राचीन भारत में कार्टियोग्राफी और मानचित्र निर्माण से लोग अनजान थे, लेकिन दुनिया भर में विकास और व्यापार और मध्ययुगीन काल के समय जो साम्राज्य का विस्तार था उसके लिए एक मानचित्र की आवश्यकता थी, एक सही मानचित्र की आवश्यकता थी। पहले लोग सबसे पहले अरब और यूरोप के लोगों ने कार्टियोग्राफिक विज्ञान का विकास किया, उन्हें नक्शे की आवश्यकता महसूस हुई, और क्योंकि वे अधिकतर समुद्र के रास्ते और ज़मीन के रास्ते से लंबी यात्रा करते थे। अरब और यूरोप के लोगों के संपर्क में आने के बाद भारत के लोगों ने भी कार्टियोग्राफी की कला को सीखा। एन अरब जियोग्राफर आई इडरसी मेड अ वर्ल्ड वाइड मैप इन 1154। मतलब अरब के जो जियोग्राफर थे आई इडरसी, उन्होंने वर्ल्ड वाइड मैप बनाया, मतलब दुनिया का एक मैप बनाया, किस सन में? 1154 में। मैप फर्स्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैप दैट शो अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो ये मैप पहला है जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये मैप, ये जो मैप पहला है इसमें दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है भारत की उपमहाद्वीपों के बारे में विस्तृत रूप से। ये जो पहला मैप है इसमें भारत के उपमहाद्वीपों के बारे में विस्तृत रूप से दिखाया गया है। मैप टू वाज मेड बाय ए फ्रेंच कार्टियोग्राफर इन 1702। उसके बाद दूसरा मैप बनाया गया फ्रेंच के कार्टियोग्राफर द्वारा 1720 में, नियरली 600 ईयर आफ्टर मैप फर्स्ट, लगभग 600 साल बाद, पहले मैप बनने के 600 साल बाद। दिस वॉज पार्ट ऑफ द एटलस न्यूवियो ऑफ द ग्लूमी डी एस, ये एक हिस्सा था, किसका था? न्यूवियो ऑफ द ग्लूमी डी इसराइली किया। ऑल थॉट बोट द मैप शो द सेम एरिया आई, लगभग उस मैप में सभी सेम एरिया एक जैसे दिखाते थे, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। जैसे भारत के महाद्वीप थे वो बहुत कम रूप से भिन्न थे दूसरे महाद्वीपों से। मैप फर्स्ट शो द साउथ एंड श्रीलंका ऑन द टॉप, पहला जो मैप है वो दिखाता है कि साउथ दक्षिण एरिया और श्रीलंका एकदम ऊपर है। दैट इज इट शो साउथ इंडिया वेयर इट शुड बी अ नॉर्थ इंडिया। ये मैप दिखाता है उत्तर दक्षिण भारत और उत्तर भारत को भी। वेल इट इज़ नॉट शो इन द केस ऑफ मैप टू, लेकिन ये सारी चीज़ें मैप टू में नहीं देखने को मिलती हैं। साउथ इंडिया एंड श्रीलंका इज गिवेन इन द बॉटम ऑफ द मैप, इसमें साउथ इंडिया और श्रीलंका जो है मैप के ऊपर में है। अब आज के लिए इतना ही, आज हम आपको आपका होमवर्क बताने जा रहे हैं। आपका होमवर्क है आप इस लेसन को फिर से रीड करोगे और इसकी मीनिंग समझोगे, और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड हैं जैसे सब कॉन्टिनेंट्स, एशियन सिविलाइजेशंस, प्री हिस्ट्री, मेडिवल, बिगम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिमार्केबल, इन सब के बारे में आप लोग मीनिंग निकालोगे जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, ट्रेवलर, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट स्पेशली इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें आपको इसके मीनिंग खोज के लाने हैं। आप इसे राइट करोगे और लर्न भी करोगे। देखिए हमने जितना अंडरलाइन किया है इन सब की मीनिंग आपको ढूंढनी है और इन्हें अच्छे से तैयार करना है।
सबकी मीनिंग आपको अच्छे से तैयार करनी है। ये जो ऊपर की चीज़ें हैं मेन आपके इनसाइड द चैप्टर, इसकी भी मीनिंग आपको ढूंढनी है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।